गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम वापस आ गए बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है दीवानगी का टीजर। और एक ड्रामा है वो जो कि आने वाला है पाकिस्तान में, और अब इसका टीजर रिलीज हुआ है। और इसमें अगर हम एक्टर की बात करें तो दानिश तैमूर है और हिबा बुखारी है। और हिबा बुखारी को मैंने नहीं देख रखा है आज से पहले, लेकिन दानिश तैमूर को मैंने देख रखा है। और ऐसे कह रहे हैं कि ये दीवानगी ड्रामा बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है। और मैं तो तब भी मैंने थोड़े बहुत ड्रामा देख रखे पाकिस्तानी, तुमने नहीं देख रखे? अपन ने एक साथ में क्या था, इश्क मुर्शिद। हाँ हाँ, मुझे वो अच्छा लगा था। लाइक पाकिस्तानी ड्रामाज इतने अच्छे होते बहुत ज्यादा कमाल के होते हैं पाकिस्तानी ड्रामाज। और मुझे पर्सनली खुद भी बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। कि ऐसा है कि अगर एक बार देखना शुरू कर लो ना, आप रुकते ही नहीं हो, इतने अच्छे होते हैं। कुछ फ्रेंड्स भी है वो भी देखते हैं, वैसे मैं इतना नहीं देखती हूँ, पर हाँ मैंने कुछ देखे हैं, बहुत कम देखे पर देखे। हम लोगों ने तेरे बिन देख रखा है, वाओ वो भी बहुत ज्यादा कमाल का था। और अब देखते हैं कि ये कैसे होने वाला है। और ये भी उसका ही है, हरपल जियो का ही है। और वो शायद जो तेरे बिन था वो भी हरपल जियो का ही था, मुझे जहां तक याद है। बाकी जल्दी से करते हैं स्टार्ट और देखते हैं इसका टीजर कैसे होने वाला है, उसके बाद आपसे बात करते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, तो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। जब पावर और पैसा होता है ना, पावर और पैसा होता है तो ये दुश्मन खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं। खुद से कोशिश नहीं करनी पड़ती। अगर मेरे लिए कुछ अहम है तो वो मेरा आज है, और मेरे आज में सिर्फ तुम हो। पता नहीं क्यों दिल तुमसे मिलने को करता है। मैं सब तो दिल की यही हसरत है, दुआ कि तुमसे मिलके तुम्हें अपना बनाना है। नौशेरवा की जान हो तुम। तुम पर किसी ने उंगली भी उठाई ना, हाथ काट दूंगा मैं। शो का मतलब दीवानगी क्यों हुआ? बहुत ही कमाल का टीजर था, बहुत ही कमाल। थोड़ा और लंबा होना चाहता है ना, मतलब टीजर का यही होना है, छोटे छोटे। और भाई ये लड़का उस लड़की के लिए ऑब्सेस्ड है, सीरियसली ऑब्सेस्ड है। और कैसे आप समझ जाए कि इस ड्रामे का नाम ही दीवानगी क्यों रख रहे हैं? उस हद तक भी तो जाना चाहिए, है ना, क्योंकि वो उस लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता है। और जैसे उसने उसको देखा वैसे तो तुमने बस चाहो रिएक्शन देना, वो लिटरली में हाँ वो चाहता है कि बस वो मेरी हो जाए, क्या है कुछ भी वो चाहता है, ऐसे कुछ गलत इंटेंशन नहीं, बस उससे शादी करना चाहता है, उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, ऐसे लगता है, ऐसे लग रहा है। और ये ना मुझे वही तेरे बिन वाली वाइब दे रहा था, क्योंकि तेरे बिन में भी तुमने नहीं देखा, लेकिन उसमें ऐसा होता था कि जो उसकी माँ थी ना, मुर्तसिम की माँ थी, तो वो ऐसे वो गार्डन में वो नहीं बनाते थे एक सभा टाइप, वहां पे लोग आते थे, तो वही सेट है। मेरे को ये लग रहा है उस सेट में उन्होंने वो कर रखा है शो वापस। और हैव इनका ये हरपल जियो का तो शायद वो घर उस पे लिया हो, और इसलिए मेरे को लग रहा है वहीं पर इसका शो हो रखा है। लेकिन वही मेरे को वही मुर्शिद मुर्तसिम वाली वाइब आ रही थी, इससे वही स्ट्रिक्ट सा रॉयल सा, क्योंकि मुर्तसिम भी बहुत रॉयल, ये भी भाई साहब बहुत ज्यादा रॉयल, वो तो अभी दिख ही रहा है ना कि कितना सुंदर इसका घर था, कितना बड़ा घर था। और ये ऑब्सेस्ड है। और लेकिन इसने बोला है कि जैसे जैसे आप अमीर होते हो आपके पास पावर आती है, दुश्मन बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली इसमें लड़ाई झगड़ा मारपीट ये सब कुछ तो होने ही वाला है, मुझे जहां तक लग रहा है। तो बहुत ही कमाल का टीजर था ये, और फॉर श्योर हम इसके बाकी ओएसटी हो गए, ट्रेलर्स हो गए, उस पर जरूर रिएक्ट करेंगे। और अगर आप चाहते हो हम उस पर रिएक्ट करें तो प्लीज डू लिस्ट लेट अस नो इन द कॉमेंट बॉक्स। तो गाइज यही था हमारा रिएक्शन, आप लोगों को हमारा रिएक्शन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करें अगर आपने। बाय।